आज का मुद्दा है लोकतांत्रिक विद्यालय। तो लोकतांत्रिक विद्यालय के राइटर हैं माइकल एप्पल और जेम्स एबी। तो इस पुस्तक की लिखने की जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ा अलग तरह की रही हैं, और परिस्थितियां का अगर यहाँ जिक्र करें संक्षिप्त में तो बात यह है कि एक तरफ बाजारी जो व्यवस्था है, बाजारी जो एक सिचुएशन है, उसमें थोड़ा उपयोगितावादी जो नजरिया है उसका दबाव है, और दूसरी तरफ स्कूल को किस तरह से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के इर्द गिर्द, उस विचार के इर्द गिर्द खड़ा होना चाहिए और उसको समृद्ध होना चाहिए, दूसरी तरह का जो विचार है, दूसरी तरह की जो अवधारणा है वो ये है। तो इसमें संघर्ष है, अभी भी है, और सही मायने में कहें तो कोई बहुत ज्यादा उदाहरण इस बात के नहीं है या इसको समझने के लिए नहीं है कि हम ऐसे लोकतांत्रिक विद्यालय, काफी संख्या में ऐसे लोकतांत्रिक विद्यालय स्थापित करने में सफल हुए हैं एज ए कंट्री, और देखें तो इस पूरी दुनिया में तो बहुत कम उदाहरण है, पर कम उदाहरण होने के बावजूद ये विश्वास जरूर बनता है कि इस तरह की व्यवस्थाएं, इस तरह के स्कूल्स खड़े किए जाते हैं, किए जा सकते हैं। तो ये एक संदर्भ है मोटा सा, और इस संदर्भ को राइटर्स ने थोड़ा विकसित करने की कोशिश की है, और इस विकसित होते संदर्भ में जो मुख्य मुद्दा है कि किस तरह की स्कूलों की संकल्पना है, डेमोक्रेटिक स्कूल्स का मतलब क्या है, और दूसरी तरफ उन स्कूल्स में किस तरह का प्रेशर है। तो मैंने जब बताया कि दूसरी तरह के जो स्कूल हैं जो बाजारी व्यवस्था को प्रमोट करती हैं, बाजारी व्यवस्था के तहत संचालित होती हैं, उनका जो जोर है वो इस बात पे है कि खास तरह की प्रतिस्पर्धा में और खास तरह के परिणामों की अपेक्षा के साथ में जो स्कूल संचालित होते हैं उनमें एक खास तरह का प्रेशर होता है स्कूल चलाने वालों के साथ, और जो बच्चे आते हैं और जो समुदाय जहां से बच्चे आते हैं और पूरी व्यवस्था, तो उनके ऊपर इस बात का प्रेशर होता है कि वो स्कूल अपने आप में किस तरह से सर्वाइव हो और जो मांग है बाजार की उसको कैसे फुलफिल कर सके। कि काफी हद तक उस बाजारी व्यवस्था जिसकी जिसने एक ढांचा खड़ा कर दिया और ये स्थापित करने की कोशिश कर दी, एक कोशिश में सफल भी हुए हैं कि ऐसी स्कूल्स जो बाजारी मांग की पूर्ति कर सके, बाजारी अपेक्षाओं पे खरे उतर सके और वो उस तरह का एक पूरा ढांचा स्थापित हो जाए जिसमें जो दूसरे सवाल हैं वो गौण हो जाए। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है, और इस कॉन्टेक्स्ट को हम सब जानते हैं और देख रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक जो सोसाइटी है, लोकतांत्रिक समाज है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में, उस व्यवस्था का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसकी जो व्यवस्था है उसमें, और जो ये तथाकथित बाजारवादी जो स्कूली व्यवस्थाएं हैं उनमें किस तरह का एक तरह का विभेद है, किस तरह की उसमें असमानता है या किस तरह की उसमें भैंस है, उसको हमें शायद समझने की जरूरत है इस किताब के माध्यम से। तो इस संदर्भ के साथ में जो राइटर्स जिस तरह से अपनी बात की शुरुआत करते हैं तो उसमें दो मुद्दों को सामने रखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक स्कूल का मतलब क्या है, और दूसरा मुद्दा है कि इस लोकतांत्रिक स्कूल्स में जो पाठ्यक्रम जिसको पढ़ाने की, जिसको स्कूल तक ले जाने की बात हो रही है वो उस पूरी व्यवस्था को किस तरह से संचालित करते हैं, मिलकर किस तरह से निर्णय लेते हैं और उन निर्णयों की अनुपालना के साथ उन जो भी व्यवस्थाएं उत्पन्न करने की जो कोशिश होती है उसको आगे कैसे ले जाते हैं।
तो एक तो पूरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो भी स्कूल के अंदर जो भी स्कूल से जुड़े जो भी पार्टनर्स हैं, सहभागी हैं, उनके साथ मिलकर उस स्कूल के आइडिया को इवॉल्व किया जाए कि वो सारे लोग इक्वली रेस्पॉन्सिबल हैं कि स्कूल उन समुदायों और उन बच्चों के लिए किस तरह से काम कर रही है। तो इसमें किसी तरह का कोई दोषारोपण का कोई दोषारोपण की कोई गुंजाइश नहीं है कि कुछ पक्ष स्कूल को बताने वाले या ये कहने वाले कि स्कूल ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, स्कूल ऐसे चलना चाहिए वैसे चलना चाहिए। इसके बजाय स्कूल की जो अवधारणा है, लोकतांत्रिक स्कूल की जो अवधारणा है, उसको मिलकर गढ़ें, जिसमें बच्चे भी हों सहभागी, शिक्षक समुदाय भी हो और उन बच्चों से जुड़े जो अभिभावक और पूरा समुदाय वो भी जुड़ा हुआ हो। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में, ये जो स्कूल से जुड़े जो कम्युनिटी है वो मिलकर उसके लिए काम करे। और इसको एक टर्म राइटर्स देते हैं, लर्निंग कम्युनिटी, ऐसा सीखने वाला समुदाय जो मिलकर काम करता है, रोजमर्रा के अनुभवों से सीखता है और उस आइडिया को और समृद्ध करता हुआ आगे बढ़ता है। और रोजमर्रा के जो भी निर्णय होते हैं उन निर्णयों में समान रूप से भागीदार होता है। तो एक तो व्यवस्थात्मक पहलू जो इसका लोकतांत्रिक विद्यालय का ये है, और दूसरा इसका पहलू है इसमें पढ़ाई जाने वाली जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यक्रम है, उसका निर्माण। तो उसके संदर्भ में एक तो हम सबको पता है कि हमारे यहाँ जो पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तकों का निर्माण होता है ये खास वर्ग करता है, और खास वर्ग जो करता है वो खास तरह के उद्देश्यों से, खास तरह के हितों को सामने रखते हुए ये सारी सारा जो बिजनेस है वो चलता रहता है और अनवरत चलता आ रहा है, और इसमें सवाल उठाने की गुंजाइश भी बहुत कम होती है या वो आवाज़ इतनी एक तरह से धीमी होती है कि उसको बदलने का कोई स्कोप ही नहीं खुलता है। तो एक तरफ ये व्यवस्था है जिसमें हम बात कर रहे हैं या जो राइटर बात करते हैं कि ये केंद्रीकृत व्यवस्था है, इसमें सब चीज़ें ऊपर से तय होती हैं और नीचे वाले लोग उसको सिर्फ क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार हैं, और क्रियान्वित करने में भी बहुत सारी आलोचनाएं हैं। अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो जिम्मेदार जो क्रियान्वित करने वाला वर्ग है, शिक्षक समुदाय, वो है, उसमें वो सब लोग बाहर हो जाते हैं और वो जिम्मेवारी लेने से बचते हैं या एक तरह से मानते हैं कि भाई हम इसमें किसी भी तरह से सहभागी नहीं है, अगर जो भी खराब हुआ है तो वो शिक्षकों के माथे मर दिया जाता है। तो एक तरह की व्यवस्था है, पर जो डेमोक्रेटिक स्कूल की अवधारणा है जिसमें पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, तो पाठ्यक्रम बनाने का, पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करने का जिम्मा भी उस समूह का है जिसकी बात मैंने पहले की है कि वो जो इस पूरी व्यवस्था में सक्रिय रूप से जुड़े हुए जो हितधारक हैं वो उसको उस पाठ्यक्रम को बनाने में और उस पाठ्यक्रम को जिस समझ के साथ बनाया गया है उसको लगातार रिव्यू करना और उसको और फर्दर इम्प्रूव करने की प्रोसेस में आगे ले जाते रहने का जो पूरा काम है वो इस लोकतांत्रिक विद्यालय का एक अहम हिस्सा है। तो अगर इसकी बात करें तो मैं इस किताब के कुछ उदाहरणों को मैं आपके सामने रखूंगा कि पाठ्यक्रम को जब इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो बच्चों में, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें वो आलोचनात्मक समझ विकसित करने की गुंजाइश, उस पाठ्यक्रम में जो भी मुद्दे हैं, जो भी पाठ्यक्रम ट्रांजेक्ट किया जाता है तो टीचर की समझ पे भी निर्भर करता है और उस पाठ्यक्रम में जो कॉन्टेक्स्ट है उस पे भी डिपेंड करता है। तो राइटर एक उदाहरण लेते हैं कि अमेरिका में कहीं बहुत भारी बारिश होती है, भूस्खलन हो जाता है और उसको पाठ्यक्रम में प्राकृतिक आपदा के तौर पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो हमारे यहाँ भी इसी तरह से बहुत सारे सोशल साइंस के जो चैप्टर्स हैं उनमें ये प्राकृतिक आपदा के कुछ मुद्दे हैं जिसको हम जानते हैं कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है और बच्चे उसको कैसे लेते हैं। पर राइटर इसकी विवेचना इस तरह से करता है कि हर साल उस क्षेत्र में बारिश होती है, भूस्खलन होता है और हजारों लोग मारे जाते हैं। तो ये आम
एक घटना है जिसको सिर्फ जान लेना भर पर्याप्त है किताब के हिसाब से, पर जो राइटर जिस बात को अंडरलाइन करता है वो मुख्य बात यह है कि राइटर इस बात को रेखांकित करता है कि आखिर ये हजारों लाखों लोग हर साल मरते हैं वो क्यों मरते हैं और उनके मरने के पीछे जो सामाजिक जो व्यवस्था है वो कितनी दोषी। तो बच्चों के दिमाग में सवाल उठना चाहिए कि कौन लोग उन तलहटियों में पहाड़ियों में बसे हैं और वो वहीं बसने के लिए मजबूर क्यों हैं और हर साल वो इसी तरह की व्यवस्था में जानते हुए कि ऐसी घटनाएं होंगी उसके बावजूद भी वो वहां रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है और ये मानते हैं कि भाई कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाएं होंगी और हम उन प्राकृतिक आपदाओं को जिस भी तरह से भोगने के लिए अभिशप्त हैं वो हमारा जो भी है बताया ये दिया जाता है कि भाई आपके भाग्य में यही लिखा है आप तो ऐसे ही जियोगे और कोई विकल्प नहीं है। पर सवाल ये है कि उस मुद्दे तक बच्चों को ले जाया जाए या टीचर इस तरह से उन चीजों को फैसिलिटेट करे कि बच्चे सवाल उठाएं कि आखिर मरने वाले लाखों लोग कौन है और वो ही मरने को क्यों मजबूर है। तो उसके लिए जिम्मेवार है हमारे समाज की जो संसाधनों पर जो गैर बराबरी का जो रिश्ता है या उन पे अधिकार है वो उसमें जिम्मेवार है कि कुछ लोग जिनके पास ये साधन संपन्न है वो बेहतर जगह में रहते हैं मैदानों में रहते हैं, जो गरीब ऐसा वर्ग जिनके पास संसाधन नहीं है या सदियों से वो इसी तरह की व्यवस्थाओं का शिकार है कि वो वहां रहने के लिए मजबूर है। तो ये वाले सवाल अगर प्राकृतिक आपदा को पढ़ाया जा रहा है तो वहां तक की समालोचना टीचर कक्षाओं में करे, बच्चे सवाल उठाएं और इन सवालों को आगे ले जाएं कि आखिर हम इस पूरी व्यवस्था को कब तक सहते रहेंगे। तो ये एक उदाहरण इस किताब में दिया था कि कैसे समालोचनात्मक नजरिया कोई भी टीचर किसी भी टेक्स्ट को कक्षा में डील करता है वो बच्चों के साथ उसको आगे तक उसकी जांच पड़ताल किस हद तक करता है। तो एक उदाहरण जो पाठ्यक्रम का और पाठ्यक्रम में जो भी कंटेंट है उसको क्रियान्वित करने का है ना वो ये है। इसमें एक संदर्भ और मैं यहाँ रखने की कोशिश करूँगा जो हम आम तौर पे गणित की कक्षाओं में पढ़ते हैं। गणित की कक्षाओं में एक उदाहरण इसमें दिया है कि कुछ लोग हैं मजदूर लोग हैं वो पास बनाते हैं मासिक पास बनाते हैं और मासिक पास और जो टिकट लेकर यात्रा करने का जो किराया है उसकी गणित अगर की जाती है तो किराया लेकर जो यात्रा करता है ना कोई भी पैसेंजर वो रोज टिकट लेकर यात्रा करने वाला जो व्यवहार है वो कम होता है तो उनको टिकट ले लेना चाहिए क्यों वो मासिक पास बनाते हैं। तो ये सवाल उस कक्षा में ले जाया जाता है पर इस सवाल को बच्चे बखूबी जानते हैं कि जिस जगह ये जिस संदर्भ में जिस समुदाय के बच्चों के साथ में ये सवाल डील होता है तो बच्चों को ये सोचने के लिए या उस गणित की अवधारणा को ये यहाँ तक समझने के लिए कि भाई मासिक पास बनाया जाना जरूरी है वो सस्ता पड़ता है या डेली टिकट खरीद के या टिकट लेके यात्रा करना जरूरी है। ये गणितीय कंसेप्ट है इसको कोई भी हल कर सकता है पर इसको भी और दूसरे एंगल से किस तरह से विवेचित किया जा सकता है इसके कुछ इस तरह के उदाहरण है कि जिस क्षेत्र में वो बच्चे हैं वो बच्चे इस बात को बखूबी जानते हैं कि उनके पेरेंट्स को एक बार नहीं चार चार बार बस बदलनी पड़ती है और वो बस इस वजह से बदलनी पड़ती है कि वहां उनके आसपास जो भी काम धंधे थे फैक्ट्रियां थी उनको सस्ती मजदूरी के चक्कर में या जो कर्ज सॉरी टैक्स को बचाने की जो स्ट्रेटेजी थी उसके चक्कर में उनको कहीं दूर स्थापित कर दिया गया और उस इलाके में रोजगार की कमी होगी यानी वहां लोगों के पास काम नहीं है तो उनको खुद कर कुछ कुछ काम करना पड़ता है। तो बच्चे उस कॉन्टेक्स्ट से आते हैं और उस बात को वहां तक समझने की कोशिश करते हैं कि भैया हमारे यहाँ की परिस्थिति क्या है और हमारे जो पेरेंट्स हैं
वो किस तरह के कामों में और किस तरह की व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ गणित के सवाल को सिर्फ गणित के नजरिए से हल करने भर तक सीमित रख देना वो एक तरीका है। उसका दूसरा एंगल है कि एक निश्चित कॉन्टेक्स्ट में, एक खास कॉन्टेक्स्ट में उस गणित के सवाल को बच्चे अपनी खुद की जीवन परिस्थितियों से कैसे जोड़कर उसको व्याख्यायित करते हैं और कैसे उसको समझते हैं कि गणित उनके जीवन का हिस्सा बन जाए, है ना, उनकी खुद की परिस्थितियों को समझने का माध्यम बन जाए। तो ये एक दो उदाहरण थे कि कैसे आलोचनात्मक जो पाठ्यक्रम है बच्चों को सीखने का स्कोप खोलता है और जीवन परिस्थितियों से जुड़ने का मौका देता है। तो ये एक संदर्भ था। दूसरा संदर्भ यह है कि जो मैंने पहले जिक्र किया कि कुछ लोग पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, पाठ्य पुस्तकें बनाते हैं और उनके कुछ अपने हित उससे जुड़े हुए हैं। इसमें एक बात और जुड़ी हुई है, काफी लोग जो उस वर्ग से आते हैं वो इस बात से भी भयभीत रहते हैं कि इस व्यवस्था को बिना छेड़े हुए लंबे समय तक ऐसे के ऐसे किस तरह से चलाया जा सकता है। अगर इसमें दूसरे एंगल को लाएंगे तो जो वर्ग है वो वर्ग भयभीत होता है इस बात के लिए कि ये जो हम जिस भी ढंग से चीजों का संचालन कर रहे हैं शायद वो परिस्थितियां बदलेंगी। तो इसमें जो चाहे परीक्षा प्रणाली की बात हो, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण की बात हो, या उन बच्चों को जिनके साथ में काम होता है या जिनको इस पूरी व्यवस्था के साथ शिक्षण की प्रक्रिया में एंगेज किया जाता है, उन सारी चीजों में एक खास तरह का स्ट्रक्चर है, खास तरह की एक संरचना है जिसमें बहुत ही समझदारीपूर्ण तरीके से कि हमारे हित किसी भी तरह से इसमें बाधित ना हो और सुविचारित एक व्यवस्था है जिसको लगातार पोषित किया जाता है और उसको लगातार चलाए रखने की बहुत ही सफल कोशिश की जा रही है जिसकी लेखक हैं वो आलोचना करते हैं। तो ये नजरिया यहाँ इसमें रखने की कोशिश हुई है। और एक मुद्दा जो इसमें आगे चार विद्यालयों के दे रखे हैं इस किताब में कि कुछ प्रयोग हुए हैं जो काफी सफल प्रयोग रहे हैं। इसका कतई मतलब नहीं है कि ये बहुत ही आसान है और कोई भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, पर ये इस बात का भरोसा जरूर देते हैं कि अगर हम डेमोक्रेटिक स्कूल्स के पूरे अवधारणा को, जो भी इसमें हितधारी हैं, भागीदार हैं, उनके साथ मिलकर इवोल्व करना चाहते हैं तो तमाम संघर्षों के बावजूद भी जो परिणाम है वो ज्यादा सकारात्मक होंगे, ज्यादा अच्छे होंगे। तो उनका जिक्र इसमें हो रहा है। और इसमें कुछ संदर्भ मैं आपको थोड़ा इस किताब से लेके बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि किस तरह से इस किताब में कुछ चीजों को बहुत अच्छे से बखूबी बहुत सारगर्भित ढंग से रखने को। इतिहास भूगोल के बारे में निर्धारित जानकारी प्राप्त कर लेने, लिखना पढ़ना सिखा लेने का भी क्या फायदा यदि इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी आत्माई को दे, यदि वह सार्थक चीजों की कद्र करना ही भूल जाए, उन मूल्यों को ही भूल जाए जिनसे ये चीजें जुड़ी हुई हैं, यदि वो अपने संचित ज्ञान का उपयोग करने की इच्छा ही खो बैठे, और सबसे बढ़कर यदि वो भविष्य में अपने अनुभवों का अर्थ निकालने की क्षमता से ही वंचित हो जाए तो इस तरह की पढ़ाई लिखाई का भी कोई अर्थ है क्या। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ किताबी ज्ञान अर्जित कर लेना और अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ खास तरह का स्पेस ढूंढ लेना और फिर अपना जीवन गुजार देना ही अगर मकसद है तो शायद वो बहुत सीमित मकसद है ना। और इसी तरह का एक संदर्भ और इसमें मैं आपको कोट करना चाहूंगा, यदि किसी लोकतांत्रिक समाज में विद्यालय लोकतंत्र के समर्थन और विस्तार के लिए अस्तित्व नहीं है तो या तो वे सामाजिक दृष्टि से बेकार है या सामाजिक दृष्टि से खतरनाक है। ज्यादा से ज्यादा वे ऐसे लोगों को पढ़ाएंगे जो स्कूल के बाद अपने अपने रास्ते जाएंगे, रोजी रोटी कमाएंगे और उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होगा कि सामान्यतः एक नागरिक के रूप में और विशेषकर लोकतांत्रिक जीवन पद्धति के लिए उनका क्या कर्तव्य बनता है, बल्कि ज्यादा संभावना इस बात की है
कि वे पढ़ा लिखा कर लोगों को लोकतंत्र का दुश्मन बनाए। ऐसा व्यक्ति जो जनोत्तेजकों के बहकावे में आ जाएगा और लोकतांत्रिक जीवन के विरोधी नेताओं और आंदोलनों के पक्ष में जा खड़ा होगा, ऐसे विद्यालय या तो व्यर्थ हैं या विनाशकारी, उनके बने रहने का कोई वैध कारण नहीं है। तो कुल मिला के तो ये आलोचना है, पर हम जिस तरह की परिस्थिति में हैं यहाँ, इस बात पे विचार करना कि जिस तरह के विद्यालयों का सपना राइटर देख रहे हैं और कुछ कुछ प्रयोग कुछ देशों में हुए हैं, उससे ये इस बात को थोड़ा बल मिलता है कि ऐसे विद्यालय खड़े किए जा सकते हैं, बशर्ते कि उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो उस समझ के साथ उन विद्यालयों को बनाने में, उन विद्यालयों को गढ़ने में अपनी ऊर्जा लगाएं। तो ये एक संदर्भ था। इसमें एक और संदर्भ मैं कोट करूंगा। यहाँ एक बात ये कहते हैं कि भाई अगर हम स्कूल्स को, जो भी शिक्षा की व्यवस्था है उसको हम ये माने कि नागरिक को तैयार करने का, नागरिक को एक तरह से अपने जीवन के लिए गढ़ने का है, जीवन को अच्छा बेहतर ढंग से जीने का कुछ एक रास्ता देते हैं या एक तैयारी की तरह उसको देखा जाता है, तो उसको, उस नागरिक को कुछ एक सवालों से रूबरू होना चाहिए और वो नागरिक उन सवालों का जवाब देने में सक्षम होना चाहिए या उन सवालों को फेस करने की काबिलियत उसमें होनी चाहिए। तो पांच सवाल राइटर लिखते हैं। तुम कैसे जानते हो कि तुम क्या जानते हो? ये कैसे पता है कि तुम जो जानते हो वो ठीक है या ठीक नहीं है? पहला सवाल, ये किसके दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है? दूसरा सवाल, ये घटना या कार्य दूसरों से किस तरह से जुड़ा हुआ है? चौथा, यदि बात कुछ और होती तो क्या होता? और आखिर ये क्यों महत्वपूर्ण? तो अगर किसी भी मुद्दे पर किसी नागरिक से इन पांचों सवालों के इर्द गिर्द बात की जाए और वो इन सवालों पे अपनी बात रखने की क्षमता रखे, तो बात समझ में आती है कि वो व्यक्ति, वो जो नागरिक है, वो चीजों को थोड़ा एक व्यापक कॉन्टेक्स्ट में समझने का और अपने ढंग से उसकी व्याख्या करने की स्थिति में आता है। तो कहने का आशय यह है कि अभी जो शिक्षा में जो हो रहा है और जो होना चाहिए, जिसकी अपेक्षा है या जिसका एक सपना है, उसमें ये एक तरह से विरोधी धाराओं की तरह ही दिखता है कि अभी जो हो रहा है वो बहुत ही मैकेनिकल हो रहा है और जो मैंने पहले बताया कि बाजार की जो मांग है उसके तहत हम लोगों को बनाने की या बाजार की मांग की पूर्ति के लिए लोगों को खपाने की जो कोशिश, जिस व्यवस्था के तहत करने की कोशिश कर रहे हैं, कि उसका एक तरह का महज बिजनेस है, एक व्यापार है, उसी तरह से उसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। पर असल में अगर हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी और उसके तहत डेमोक्रेटिक स्कूल्स को गढ़ने की, उसके बनाने की बात करें, तो अभी तो मुझे तो ये लगता है कि उसका पूरा जो आइडिया है उस आइडिया की स्पष्टता भी नहीं है, और स्पष्टता तो काम करते करते बनती है, इच्छा शक्ति भी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी शिक्षित समुदाय है, जो शिक्षा से जुड़े मुद्दों पे अपनी चिंताएं रखते हैं, उनको इस तरह की चीजों पे बात करने का, उनको इस तरह की चीजों में सहभागी बनाने का जो एक कवायद है, उसमें जरूर जुड़ना चाहिए और ईमानदारी से खुद को भी टटोलना चाहिए और जो हो रहा है उसको भी खुली आंखों से देखना चाहिए कि सही मायने में जो हो रहा है वो कितना कारगर है और उसको किस हद तक उस पर और काम करने की जरूरत है, उस काम को कैसे किया जा सकता है। तो इन सारे संदर्भों से बात इतनी समझ में आती है कि क्या हम इसको उन लेंसेस के साथ देखने की भी कोशिश कर रहे हैं क्या, जो सही मायने में हमें एक लोकतांत्रिक समाज के की पृष्ठभूमि में चीजों को समझने का एक अवसर देती है। तो
अभी दुर्भाग्य से बहुत कम लोग हैं जो उस तरह का नजरिया रखते हैं और उस तरह से सोचने की कोशिश करते हैं, पर बात उस लोगों से शुरू होती है और वो काफी आगे जा सकती है, बशर्ते हैं कि उन लोगों में प्रतिबद्धता हो और उस विचार को आगे ले जाने में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन जो भी अपेक्षित है सोसाइटी के लेवल पर वो उसको दे सकें। तो टाइम 45। तो अब मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट रखा है, आप सब लोग उस कॉन्टेक्स्ट के साथ अपने जो भी सवाल हैं, अपने जो भी समझ है उसको बहुत संक्षिप्त में शेयर करेंगे, तो ये थोड़ा हम इस बातचीत को विमर्श की तरफ ले जाएंगे। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि ये अच्छी किताब है और मैंने पहले भी इसको पढ़ा, काफी पहले, 8-10 साल पहले, तो वो तो भूल ही गया मैं। अभी दोबारा पढ़ा तो अभी मुझे लगता है कि मुझे इसको 2-3 बार पढ़ना चाहिए और डिटेल में अच्छे नोट्स लेने चाहिए और फिर खुद को थोड़ा सा इसको अभिव्यक्त करने का खुद का एक एफर्ट मुझे अपने लेवल पे लगाना चाहिए, ये मेरी अनुभूति है। तो मैं इसको और एक से अधिक बार पढ़ूंगा और मौका मिला तो फिर किसी दूसरी मीटिंग में, इस तरह की मीटिंग में फिर इस पे बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। पूरी किताब पे बात करना इस छोटी बैठक में बहुत मुश्किल है, ये चार कुछ अच्छी स्कूल्स के कुछ उदाहरण है ना, तो वो भी इसमें दे रखे हैं। एक उदाहरण मैं 2 मिनट में शेयर कर दूंगा कि एक स्कूल है जिसमें वो कक्षा 7 से ग्रेजुएशन तक के बच्चे उसमें होते हैं और उस स्कूल में वो जो बच्चों को जो असेस करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि एक तो दो तो टीचर होते हैं उस स्कूल के, एक कोई उनका सहपाठी होता है और एक उस बच्चे को जिसका असेसमेंट हो रहा है उसकी सहमति से, यानी वो किसी को सजेस्ट करे, कोई भी वयस्क वो होता है। तो एक लड़की है या लड़का, मुझे अभी उसके जेंडर का इसमें ज्यादा अंदाजा नहीं चला, मोनिक नाम का एक बच्चा होता है, उसका वो फेस करता है असेसमेंट कमेटी को और मुद्दा ये होता है कि जो एड्स जो पीड़ित जो लोग होते हैं ना, उनको किस तरह से बचाया जा सकता है या उनके साथ कैसे हम काम करें कि वो लोग उससे प्रभावित ना हो। तो वो बच्चा कमेटी के सामने होता है, मतलब वो बहुत चिंतित होता है, परेशान होता है कि अब मैं उसको कमेटी को फेस करूंगा और वो मुझे असेस करेंगे। तो वो बार बार इधर से उधर जाता है, आता है, हर 15 मिनट में बाथरूम जाता है, आखिरकार वो अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है, उसकी माँ आ जाती है और फाइनली वो उस कमेटी को फेस करता है और फेस करने पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं जो जिनका जिक्र यहाँ किया गया, वो उसके लिए वो तैयार होता है। पर बात इस तरह से बदलती है उस पूरे बातचीत में कि कुछ जगह जो मरीज होते हैं उनको बिना पूछे उनका ये एड्स का टेस्ट हो जाता है, ये सही बात है या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो बच्चा बहुत शांत हो जाता है, उसको ये अपेक्षा नहीं थी कि ये भी सवाल आएगा। तो काफी चिंतित होने के बाद में उसका पूरा टोन बदल जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम है कि ये सही है या गलत है, पर किसी भी तरह से एड्स पीड़ित जो लोग हैं उनको बचाया जाना चाहिए और उनको उनका जो भी टेस्ट लेने का जो भी तरीका है उसके उसको देखना चाहिए वोट के माध्यम से और सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए बच्चों से लेकर बड़ों तक, कि उसका उसकी जांच है वो की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वो जो बच्चा था उसके जो फादर थे वो एड्स से पीड़ित थे और दुर्भाग्य से उनके फादर की मौत हो गई। तो वो जो रियल कॉन्टेक्स्ट उस बच्चे को उस पूरे उस घटना के साथ भर देता है और मजबूर करता है कि वो इस बात
की पैरवी करना चाहता है कि जो भी हो, जो भी तरीके इस्तेमाल किए जाएं, पर निश्चित रूप से जो पीड़ित है उसको हर संभव सहायता दी जानी चाहिए और उसको बचाए जाने की हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। तो ये जो तरीका फिर कमेटी इस बात से खुश होती है, उसको संतोषपूर्ण से भी बेहतर ग्रेड देती है और वो काफी इस बात से प्रभावित होते हैं कि कैसे वो बच्चा अपने जीवन के संदर्भों को इस कॉन्टेक्स्ट में ला पाया और फिर वो बच्चा जाके अपने दोस्तों को बड़े जोश से जाके कहता है कि मेरा किस तरह का आज इंटरव्यू हुआ, साक्षात्कार हुआ, बातचीत हुई, तो वो भी ऊर्जा से भर जाता है। तो ये जो असेसमेंट के जो तरीके हैं अभी जो चल रहे हैं और जो इस किताब में सुझाए गए हैं उनमें काफी फर्क है, बहुत ही सीमित ढंग से और तय तरीकों से खास समय में सब कुछ जांच लेना और उसके बेस पे तमगा लगा देना एक प्रक्रिया है ना, जिसको लोग कहते हैं कि ये जांचने की नहीं, ये जो ये व्यवस्था है लोगों को छांटने की है कि कैसे लोगों को उस व्यवस्था से बाहर कर दिया जाए, बहुत कम लोगों को उस व्यवस्था में जिसको मैनेज किया जा सकता है उसकी व्यवस्था है जो कि गलत है। असेसमेंट का या आकलन का जो मुख्य मुद्दा है कि कैसे असेसमेंट इस तरह का हो, प्रोडक्टिव हो, कि सीखने वाले को असेसमेंट की प्रोसेस में सीखने का अवसर मिले, सीखने के लिए वो तैयार, सीखने की तैयारी उसमें हो, तो वो कुछ बेहतर तरीकों की बात करते हैं। पर अभी हमारे यहाँ तो जो तरीके हैं उनको भी ईमानदारी से हम जो भी तरीके हैं जिसको हम कितना भी क्रिटिसाइज करें उनको भी ईमानदारी से एक समय में किया जाता था, उसका भी काफी हरास होता हुआ दिख रहा है। तो अभी मैं यहीं रुकता हूँ और बहुत ही अव्यवस्थित जो भी बातचीत मैंने आपके सामने की और उसमें आप अपने संदर्भ के हिसाब से सवाल कर सकते हैं और अपने मत रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आंतरिक स्कूल बहुत आसान होता है कहना और उस पर बात कर लेना, और चूंकि हम 70 सालों से लोकतांत्रिक देश में निवास कर रहे हैं फिर उसमें बात हो रही है लोकतांत्रिक स्कूल, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस देश में हर चीज ही लोकतांत्रिक हो जानी चाहिए और उसमें एक छोटा समूह विद्यालय जिसको लेकर उसी को लोकतांत्रिक बनाने की चर्चा परिचर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, अपना ही संकट नहीं है। तो एक्चुअल में जो है वो जो भी अभिभावक हो, टीचर्स हो या शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हो, पहले उनको खुद को अपने आप को लोकतांत्रिक होने की आवश्यकता है। हमारे पास कहने सुनने के लिए बहुत सारी बातें हैं लोकतंत्र पर, लेकिन हम उसको प्रैक्टिस कितना करते हैं, समस्या वहीं से शुरू होती है कि हम लोकतांत्रिक भी हैं या नहीं। एक ऐसी जड़वत सोच, एक टेंडेंसी पूरी साइकोलॉजी पढ़ने के बाद, बच्चों का मनोविज्ञान जानने के बाद भी हम उस परंपरा को नहीं तोड़ पाते हैं जिस परंपरा से हम पढ़ के आए हैं। अगर वो परंपरा नहीं टूट पा रही है तो एज ए टीचर मुझे उस परंपरा को तोड़ करके जो अभी जो अलग अलग शिक्षा को लेकर व्यूज आ रहे हैं, जो सकारात्मक बातें आ रही है, उनको ग्रहण करने की आवश्यकता है और उसका अभ्यास करने की और उसको एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। तो मेरा तो सवाल यही है कि वो हो कैसे। मेरा हमेशा सवाल ऐसा ही होता है कि वो कैसे कैसे करें हम। दो धाराएं हैं, बिल्कुल है, एक बाजार है, उत्पाद चाहती है,
लेकिन एक फिलोसफी भी है, सा विद्या विमुक्त है। मुक्त होने की बात कर रहे हैं और उत्पाद बना रहे हैं, उत्पादों की बात हो रही है। तो वो जो मुक्त होना है उसको हम कैसे बच्चों में उन मूल्यों को किस तरह से एक्सप्लोर करें, किस तरह से उनके साथ हम खुद भी अभ्यास करें, मेरे लिए सवाल में से यही है। साथियों, अभी छोटे लाल जी और लाल रतन जी ने अपनी बातें आपके साथ में शेयर की। मूल प्रश्न ये है कि क्या हम लोग अपने जीवन के अंदर लोकतांत्रिक हो पाए हैं जैसा राम रतन जी कह रहे हैं। ये ठीक है कि हमने एक व्यवस्था अपना ली है जिसे लोकतंत्र कहा जा रहा है, लेकिन क्या वो व्यवस्था ईमानदारी से लोकतंत्रात्मक है? और अगर नहीं है तो उसके कारण कहाँ है? हम देखते हैं अपने परिवारों के अंदर आज भी हमारा व्यवहार पूरी तरह से सामंती हो गया। पिता अपने पुत्र के साथ में क्या लोकतांत्रिक व्यवहार करता है? एक पति अपनी पत्नी के साथ क्या लोकतांत्रिक है? एक भाई अपनी बहन के साथ क्या जनतांत्रिक व्यवहार कर रहा है? या वो जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वे उसको चुनने वाली जो जनता है उसके प्रति लोकतंत्रात्मक रूप से पेश आते हैं? सब जगह हम देखते हैं कि हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो कहने को चाहे लोकतांत्रिक हो, लेकिन उसमें वो जो सामंती अवशेष है वो भरे पड़े हैं। और जब तक हम अपनी समझ को, अपनी सोच को उस सामंतवादी मानसिकता से बाहर निकलने के लिए उस सोच को एक खुला वातावरण देने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक हम विद्यालयों के लोकतांत्रिक होने का भी केवल एक सपना देख सकते हैं। इसमें कोई दोराई नहीं है कि विद्यालयों का लोकतांत्रिक होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि लोकतंत्र है क्या? क्या है लोकतंत्र? किसे कहते हैं आप? उदारवादी सोच एक पहलू है उसका, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं लोकतंत्र के। इस लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिले, वो भी लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रत्येक व्यक्ति पूरी स्वतंत्रता के साथ निर्बाध ढंग से अपनी बात दूसरे से कहे और दूसरा उसकी बात को उतने ही सम्मान के साथ सुने, मानना न मानना अलग बात है, लेकिन उसकी बात को सुने और उसकी बात के अंदर जो गहराई है,
जो वो बात कहना चाहता है उस बात को ग्रहण करने की कोशिश करे और उसके मुताबिक अपनी समझ विकसित करने का प्रयास करे। लोकतंत्र का एक स्वरूप ये भी है। और तीसरी बात यह है कि अगर कोई लोकतंत्र हमें मनुष्य के प्रति उदार, सहिष्णु और वैचारिक रूप से कहना चाहिए कि सहनशील नहीं बनाता है, तो फिर मैं नहीं समझता कि वो लोकतंत्र है। हमारा जो समाज है उस समाज के अंदर इन चीजों का पिछले कुछ समय से क्षरण होता चला गया, ये चीजें चीजती चली जा रही, जबकि इन चीजों का बढ़ना जरूरी है। विद्यालयों के अंदर हम देखते हैं कि अध्यापक आज भी अपने छात्र के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करता है जैसा एक जो सर्वशक्ति संपन्न व्यक्ति होता है वो अपने किसी मातृ के साथ करता है। वो विद्यार्थी को ये मान करके चलता है कि ये मेरा मातृ है। जब आप विद्यार्थी को अपना मातृ मान करके चलते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि मैं जैसा कहूंगा वैसा इसको करना पड़ेगा, यहां पर आप लोकतांत्रिक नहीं रह पाते, यहां पर आप सामंत हो जाते हैं, आप थानेदारी कर रहे हैं उसके ऊपर। वो जो पुराने जमाने के अंदर गुरुजी के हाथ में छड़ी हुआ करती थी, वो छड़ी किस बात का प्रतीक होती है कि आप कोई गलती करेंगे तो आपको दंड भुगतने के लिए तैयार रहना है, वो दंडात्मक व्यवस्था। ये जो दंडात्मक व्यवस्था है ये लोकतंत्र की सूचक नहीं है। इसलिए हमें विद्यालयों के अंदर एक इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश की जानी चाहिए, करनी चाहिए, खासतौर से छोटे बच्चों के साथ में जो लोग काम करते हैं उनके अंदर ये बात आनी चाहिए कि वो उस बच्चे को एक गीली मिट्टी की तरह मान करके चले। जैसे गीली मिट्टी को आप जैसा चाहे वैसा आकार दे सकते हो अपने मन मुताबिक, उस तरह का आकार देने का दृष्टिकोण अध्यापक के पास में होना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि उस बच्चे को वह अपनी जो समूची प्रक्रिया है, पढ़ने पढ़ाने की जो समूची प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंदर भागीदार बने। लोकतंत्र का एक लक्षण ये भी होता है कि आप लोगों की कितनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का समूह मिलकर के कोई निर्णय कर लेगा और उस निर्णय को एक बहुत बड़े समूह के ऊपर थोप देगा। ये लोकतंत्र का लक्षण नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र का लक्षण यह है कि सबकी भागीदारी उसके अंदर हो, सब लोग उसके अंदर अपनी बात रखें और जो बातें सबके लिए समान रूप से हितकारी हो, सबके लिए लाभदायक हो, उन बातों को स्वीकार किया जाए।
और उनको लागू किया जाए। जैसे अभी छोटेलाल जी बता रहे थे मूल्यांकन का मामला, मूल्यांकन के अंदर हम देखते हैं कि आपको 3 घंटे के अंदर आपका 1 साल का पूरा जो है मूल्यांकन कर लिया जाता है और कुछ प्रश्न आपको दे दिए जाते हैं और ये मान लिया जाता है कि आपने साल भर के अंदर जो कुछ भी सीखा है वो सब अच्छा होगा। वो जो पद्धति है मूल्यांकन की, मैं कहता हूं कि वो अपने आप में ही दोषपूर्ण है, क्योंकि ऐसे आप किसी का मूल्यांकन नहीं कर सकते। मुझे ध्यान आता है एक फिल्म आप लोगों ने जरूर देखी होगी, तारे जमीन पर देखी है ना, उसमें वो बच्चा देखिए आप, वो पढ़ने के अंदर वो बच्चा जो है उतना होशियार नहीं है, उसके अक्षर ज्ञान को लेकर के उस बच्चे के अंदर जो है एक यो कहना चाहिए कि आनुवंशिक दोष है। लेकिन जो दूसरा क्षेत्र है उस दूसरे क्षेत्र के अंदर वो बच्चा वो बेजोड़ है। तो लोकतांत्रिक विद्यालय का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के भीतर वो जो छिपी हुई प्रतिभा है उस प्रतिभा को उभरने का पूरा पूरा अवसर मिल सके, उसकी प्रतिभा सामने आए। हो सकता है कोई पढ़ने में अच्छा नहीं हो, खेलने में अच्छा हो, कोई चित्र बनाने में अच्छा हो, कोई अच्छा गाना गाता हो, कोई अच्छा अभिनय करता हो, कोई अच्छा लिखता हो, तो उस क्योंकि बहुत से आयाम होते हैं, रचनात्मकता की बहुत सी दिशाएं होती हैं। तो कोशिश ये की जानी चाहिए, मेरी समझ के अनुसार हो सकता है कि मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई जो है वो ऐसी बात कह रहा हूं कि इसके बाद में जो है ना उसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं किया जा सके। मेरी समझ के अनुसार जो रचनात्मकता होती है विद्यार्थी के अंदर, उस रचनात्मकता को फलने फूलने का पूरा पूरा अवसर जिस वातावरण के अंदर मिले और बच्चे को ऐसा लगे कि नहीं, मैंने जो राह चुनी है वो किसी के कहने से नहीं, किसी के दबाव में नहीं, मैंने अपनी प्रेरणा से, अपनी इच्छा से, अपनी समझ के अनुसार मैं इस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ रहा हूं। उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़कर के वो बच्चा जो कुछ भी बनता है वो उस बच्चे के लोकतांत्रिक ज्ञान का नमूना होगा, क्योंकि उसने किसी अध्यापक के कहने से या किसी गुरु के कहने से या माता पिता के कहने से उसने वो राह नहीं खोजी, उसने अपनी समझ के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार वो राह तलाशी। तो जहां पर आदमी अपनी रुचि से कोई काम करता है, तय मान करके चलिए कि वहां वो ज्यादा मन लगा करके, ज्यादा प्रतिबद्धता के साथ, ज्यादा ईमानदारी से उस काम को करें। और जहां जबरदस्ती, हमारे यहां कहावत है कि मार मार कर डांगर चढ़ाने से कुछ नहीं होता, आप मार मार करके किसी से ये कहें बोले तुझे IAS बनना है, तुझे IPS बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे CA बनना है, तुझे वकील बनना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, अरे वो क्या करना चाहता है कभी उससे भी तो पूछ लीजिए। आप अपनी इच्छाओं को उसके ऊपर क्यों थोप रहे, क्यों आरोपित कर रहे हैं? और उसका नतीजा ये निकलता है आखिर में कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। वो बच्चा
कुछ भी नहीं कर पाता है। तो लोकतांत्रिक विद्यालयों की जो अवधारणा है, उस अवधारणा का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि आप प्रत्येक बच्चे को अध्यापक के साथ, अभिभावक के साथ, विद्यार्थी के साथ, और इसके साथ साथ जैसा कि छोटेलाल जी कह रहे थे, उस समाज और उस सामाजिक परिवेश से जुड़े हुए लोगों की उसके अंदर भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। और उसके बाद जो है वो जिस तरह का माहौल बनेगा, उस माहौल में वो बच्चा जो कुछ भी सीखेगा, वह शिक्षा ही उसके लिए जीवन के अंदर उपयोगी होगी। बाकी ये बात अपनी जगह पर बहुत दुरुस्त है कि बाजार के दबाव अपनी जगह पर है और ये व्यवस्था बरसों से चली आ रही है। हम और आप सब इस व्यवस्था को लेकर के पीड़ित भी हैं, बदलना भी चाहते हैं, इच्छा भी है, लेकिन नहीं बदल पाते क्योंकि हम उस स्थिति के अंदर नहीं है। तो जब हम उस स्थिति के अंदर नहीं है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वो करना यही चाहिए कि ढाई घर पर घोड़ा आया, लिए इरादा मात का, एक एक घर पर परिचय देगा पैदल कियो का। हाथी उनके, घोड़े उनके, उनके ऊंट वजीर है, राजा की घेरा बंदी है, रक्षा बदल विसात का। लोकतांत्रिक देश में हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो ये बात सही है, लेकिन अभी सवाल ये मुझे लगता है इस पे हमें फोकस करना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में हम, हमारी जो जिम्मेदारी है ना, हम कितना प्रयास कर सकते हैं, तो इस बात पे फोकस करना चाहिए। और दूसरा जो मुझे लगता है कि सेंटर में जो है वो अध्यापक है, अगर अध्यापक चाहेगा ऐसी स्थिति में भी, अगर अध्यापक चाहेगा वो खुद लोकतांत्रिक होगा तो मुझे लगता है कि वो स्कूल में कुछ अच्छा काम कर पाएगा। क्योंकि हमने कहा ना कि लोकतंत्र में सभी का साझा होता है ना, साझा चूल्हा बोलते हैं उसको ना, तो साझा चूल्हा है तो फिर साझे चूल्हे में किसी की लकड़ी भी होगी, किसी का गुस्सा होगा, किसी का आग होगी, किसी का लोई होगी, किसी की रोटी होगी, किसी का तवा होगा, किसी के प्रांत होगी, कटोरियां चम्मच सब होगी ना। तो जब साझे चूल्हे की हम बात कर रहे हैं ना, तो ऐसी स्थिति हमें स्कूल में बनानी पड़ेगी। वो बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो मुझे लगता है, मैंने इस पर थोड़ा काम भी किया था, भारत ज्ञान विज्ञान समिति के तहत कुछ ऐसी जीवनशाला चलती थी, तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम बच्चों से नियम कायदे कानून बनाते थे। जैसे हाँ, हमारे देश को चलाने के लिए नियम कायदे कानून है ना, तो ऐसे ही हमारे स्कूल को चलाने के लिए नियम कायदे कानून बनाने में बच्चों की भी भूमिका होनी चाहिए, है ना। तो बच्चे तय करेंगे कि हमारी कक्षाएं जो है ना किस डिजाइन की होनी चाहिए, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, है ना। अगर किसी ने किसी को पीट दिया या कोई समस्या आ गई तो उसका निवारण कैसे होना चाहिए, ये भी बच्चे ही या वो पूरा ग्रुप तय करे, ऐसा होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि अगर अध्यापक पहले से ही पूर्वाग्रह ग्रसित है कि फला फला समाज के बच्चे तो कभी पढ़ ही नहीं सकते जीवन में, तो फिर तो हो गया भला, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो कुल मिला के मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि जो शिक्षक जो सेंटर में है वो चाहेगा तो अपने स्कूल को बिल्कुल बदल सकता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने में एक सहयोग कर सकता है। मेरा नाम कैलाश है और देवेंद्र सर ने मुझे मैसेज किया कि आज 5 बजे से, लेकिन दिवस आने गया तो उसके लिए तो मैं समझता हूँ, मैं जा तक समझ पाया हूँ कि भाई विद्यालय का लोकतांत्रिक स्वरूप कैसे हो, शायद टॉपिक यही है। तो सबसे पहले जब लोकतांत्रिक मूल्य की बात करेंगे तो हमें सिलेबस में मूल्यांकन, वो लोकतांत्रिक मूल्य है कि नहीं, समाज निर्माण करने के लिए उसका सिलेबस का बहुत होना जरूरी है। और मैं आज तक जो समझ पाया हूँ, जितना मैंने पढ़ा और अब तक मैं अध्ययनरत विद्यालय पुस्तकों को देखता हूँ, तो हमारे सिलेबस से लोकतांत्रिक मूल्य बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। जिस समस्या से हम ग्रसित हुए हैं वो तब से शुरू हुई है जब से उन सिलेबस में लोकतांत्रिक मूल्य क्षीण हुए हैं। और सिलेबस जब तक हम लोकतांत्रिक मूल्यों से
प्रेरित नहीं करेंगे आपकी समस्याएं जटिल होती जाएगी और इसमें शिक्षाविदों का बहुत बड़ा रोल है। जब तक हम लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित करने की बात करें तो पहले वो सिलेबस तो आए हमारे हाथ में जिसको हम पढ़ करके लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित करना चाहते हैं। दूसरी बात है बाजारवाद। बाजारवाद अपनी जगह काम करता है क्योंकि उसको समाज पे नियंत्रण चाहता है, मानसिक गुलामी स्लेवरी, वो स्लेवरी हर हालत में देगा। आप उससे बचने चाहते हो तो आपको भी अपने पास लोकतंत्र में एक ही सत्ता है, ताकत हो जिसके पास जनबल, उसके पास न धनबल होता है न उसके पास जनबल होता है और जनबल के मूल्य आधार पर ही वो लोग उंजईवाद बाजारवाद को नियंत्रित कर सकता है, उसका कोई और अल्टरनेट नहीं है। यदि आपको बाजार पे नियंत्रण करना है तो जन जागृति स्थापित करनी ही पड़ेगी और बाजार में नियंत्रण करने के लिए कुछ स्टेप ऐसे भी लेंगे क्योंकि बाजार में अपना शोषण कर रहा है, तो बाजार पे नियंत्रण करने के लिए हमारे को जैसे मेरे दृष्टिकोण से समान काम समान वेतन का नियम बाजार नियंत्रण बाजार पूंजीपतियों पर भी लागू होना चाहिए कि वो जब काम ले रहा है तो उसको माननीय मूल्यों का आधारित वेतन भी देना चाहिए। ये हमारे को वहां पे भी अटैक करना चाहिए, विद्यालय नहीं उधर भी का बात करनी चाहिए। लोकतांत्रिक विद्यालय बढ़ने के लिए साथ साथ में उधर भी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपकी बाजार की स्कूल का नाश तो तभी कर दिया जब पासपोर्ट विकसित चल रही थी। मैंने जितना पढ़ा आपकी एजुकेशन को उसी दिन डैमेज कर दिया, शिक्षक का वैल्यू जीरो तब कर दिया जब आपने वन विकसित पासपोर्ट को एडॉप्ट करा लिया। कौन आता है स्कूल में, कौन आता है इस कॉलेज में, मुझे तो बंक दिखती। तो आप लोग हम लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज भी हम ये बात नहीं करें कि टेक्स में अगर मान लो कितनी इंटेलिजेंस या टैलेंट है तो टेक्स्ट बुक लिखे ना, रिसर्च कर, क्यों वन वीक सीट बना करके समाज में बिगाड़ रहे हैं। तो आपको वहां भी आपको चर्चा करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से इसमें बात भी करनी पड़ेगी कि इसको बैन कराया जाए। लोकतंत्र केवल एक साइड से काम नहीं करेगा, लोकतंत्र के साथ उसकी पूंजीवादी नीति पर भी नियंत्रण बना पड़ेगा। उदाहरण दे दो मोदी अडानी जी का, एक जगह वो उसका विरोध कर रहे हैं, दूसरी जगह उससे समझौता कर रहे हैं, यही पूंजीवाद की मानसिकता है। हमें जो सरकारें या राजनीतिक दल हैं वो भी छल रहे हैं, वो भी नहीं चाहता कि समाज में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो, क्योंकि जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होती है गण व्यवस्था लागू होती है तो उसमें उसकी सत्ता भी जातीय आती है, पार्टी की नहीं, पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होती है विद्यालय घर वहां भी। तो सबसे बड़ी दो चीजें विद्यालय लोकतांत्रिक करने के लिए आपको सिलेबस पे ज्यादा होमवर्क करना पड़ेगा कि ये सिलेबस कैसे लोकतांत्रिक हो जाए। जब वो लोकतांत्रिक मूल्यों को पढ़ेगा तभी तो लोकतांत्रिक नागरिक बनेगा, उस पर तो हम बात ही नहीं करना चाह रहे। विद्यालय लोकतांत्रिक बने, जितने मास्टर बन गया है वो खुद ही ऐसे सिलेबस पढ़ गया है, उसको पता ही नहीं है लोकतंत्र क्या है। जितने टीचर मैं ट्रेजरी में बैठता हूँ सुबह शाम दो चार टीचर मेरे से आ जाते हैं और मिलते हैं, मैं उनसे ऐसा ही क्रॉस एग्जामिनेशन करने लग जाता हूँ, वो खुद ही क्लासों को देता है कि यार कहीं जॉब देना क्या कर रहा है, दोबारा जिंदगी भर मिलने नहीं आता मुझसे, दोबारा कभी नहीं आया मेरे से। जो मिल गया ना एक बार उसकी आई क्यू को ऐसा लगता है कि यार उधर बैठे नहीं ऐसे उधर से जाके मेरा काम करा के बताना हो जाए। तो लोकतांत्रिक जब वो मूल्य पड़ेगा तभी उसमें शिक्षा विकास होगा। इसलिए मनु जी सर शिक्षा भी रहे हैं बहुत, जब मैं जब से मिला हूँ इनको मैं रिकॉर्ड भी करता हूँ, तो आप जैसे लोग इस मूल्यों को सिलेबस में स्थापित करने के लिए थोड़ा सा अपट शिक्षा आप वहाँ काम करेंगे, जब तक सिलेबस नहीं आएगा आपके लोकतांत्रिक विद्यालय नहीं बनेंगे। गोष्ठियाँ उसका एक पार्ट हो सकता है पर हम समाज को बल्क रूप में बदलना चाह रहे हैं तो समाज
समाज के बल्क उपमेन सिलेबस से बदल सकते। एक एलडीसी ये गिरी नहीं सर, पूंजीवाद निजीकरण होना चाहिए। एक एलडीसी ये गरीब निजीकरण होना चाहिए। तो ये तो पूंजी बाजारवाद को बड़ा उसको ये पता ही नहीं है कि पूंजीवाद क्या है और लोकतंत्र क्या है और समाजवाद क्या है। अगर पूंजीवाद आता है तो लोकतंत्र रह नहीं सकता, वो नाम मात्र का रहेगा जैसे सिंबल, सिंबल का कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो लोकतंत्र को उस दिन दस मानता हूं जिस दिन 21 साल से 18 साल मतदाता की एज हुई, हमारे इमोशन को उसी दिन खरीद लिया, कहां से लोकतंत्र रहेगा। मेरा बचपन से बैकग्राउंड को जब मैं आज मूल्यांकन करता हूँ, सर कह रहे थे कि उसको अपनी इच्छाओं के अनुसार बड़ा होना चाहिए। इच्छाएं बदलती हैं जैसे जैसे उनका बौद्धिक विकास होता है। मेरे बचपन में जब मैं पढ़ता ही नहीं था तो ये समझता था दो बैल खरीदने लगा खेत में बढ़िया फसल चलाऊँ, अब पता ही पहुंचे बाप का जमीन ही बोले फिर थोड़ा पढ़िया तो देखे कि यार ये तो गड़बड़े गया, अपना जमीन खेती कर रहे, खेती को तो मामले में फिर कह रहे चलो पढ़ाई करते टेलरिंग वेल्डिंग कर लेंगे। फिर टेलरिंग भी फिर लगा कि टेलरिंग में भी संकट पड़ गया, पढ़ाई फूट गई, फिर कहा नहीं इसको भी छोड़ो। फिर हमने तैयारी की, फिर टेंथ भी क्लियर की, फिर उसके बाद में जाके बौद्धिक आभास हुआ कि यार मेरा तो डिसीजन ही गलत जा रहे थे। पर मेकाले की एजुकेशन के लिए सब कोट करते हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि मेकाले पहले भारत के लोगों को बौद्धिक बनाता है फिर दिशा तय करने के लिए कहता है। हमारे लोग कहते हैं कि उसको डायरेक्ट दिशा देते, इसका मतलब बौद्धिक विकास नहीं चाहता, स्किल्ड विकास चाहता है। स्किल्ड विकास और इंटेलिजिबिलिटी में दोनों अंतर है, और जब तक इंटेलिजिबिलिटी नहीं आती लोकतंत्र भी नहीं आता। बौद्धिकता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आज हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हमें पूरी बौद्धिक चेतना है कि शोषणकारी व्यवस्था अमानवीय व्यवस्था की ओर ले जाती है। और भारत का जिस स्वरूप मैंने अब तक पढ़ा इस लोकतंत्र स्थापित होने से पूर्व, तो मैंने यही देखा है कि इतना लोकतांत्रिक विद्यालय तो तभी बनेंगे इसकी अगर इसी बात का अंतर हो रहा है। ठीक है, लोकतांत्रिक विद्यालय के लिए तो आपको सिलेबस को भी लोकतांत्रिक कराने के लिए तैयारी करनी ही पड़ेगी। सर आपकी आज्ञा हो तो ठीक है, धन्यवाद। मैं दो मिनट और लूंगी, वापस हम जो किताब थी उसके मुद्दे पे आते हैं। जैसे सर ने कहा था कि दो मुद्दे हैं जिस पे राइटर्स ने गौर करने को बोला था, पहला तो लर्निंग कम्युनिटी की उनकी व्यवस्था कैसी है उस पे ध्यान देना चाहिए, वो लोकतांत्रिक है या नहीं उस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने बात की थी वो करिकुलम पे ही की थी, पाठ्यक्रम पे ही की थी कि जो उसके कंटेंट्स है वो लोकतांत्रिक है या नहीं। तो बहुत ही डिटेल में अगर फिर वापस घूम सकते अगर हम किताब पे आएँ। और एक तो सवाल अजमल के हैं, भवानी के हैं और राजकुमार सर के, उसके बाद भवानी से कंक्लूजन बस ये आशा है कि बस तीन सवाल और होंगे उसके बाद। नहीं, और भी कोई रखना चाहे? मैं रखना चाहती हूँ। तो मेरा जो डिस्कशन जो हो रही थी उसमें ये था कि एक तो जो बाजार आधारित शिक्षा व्यवस्था है वर्सेस लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था है, तो मेरे इस पूरे आर्ग्यूमेंट से डिसएग्रीमेंट है। डिसएग्रीमेंट ऐसे है कि जो बाजार आधारित शिक्षा व्यवस्था होती है वो बढ़ावा देती है उपयोगिता जो होती है यूटिलिटेरियन सोसाइटी को, और साथ में जो व्यक्तिवादी जो व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता होती है चूज करने की, वो अलग बात है क्या वो सच में स्वतंत्र है, वो एक अलग डिबेट हो जाती है। और लोकतंत्र है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ पूरे उस व्यक्ति का पूरे समाज को आगे ले जाने में जो योगदान रहता है उसमें मतलब उसकी भागीदारी होती है। तो इस तरीके से जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो बाजार में भी और लोकतंत्र में भी कॉमन है। जहाँ बात आ जाती है कि चॉइस की, कि हिडन एक
परोक्ष तरीके से बाजार आधारित व्यवस्था में व्यक्ति के पास वो चॉइस नहीं रहती है, लगता है कि उसके पास चॉइस है लेकिन चॉइस होती नहीं है। और फिर अब हमारी शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी हो जाती है कि बाजार और लोकतंत्र साथ रह सकते हैं, बशर्ते उस बच्चे में, उस भविष्य के नागरिक में एक वो चॉइस, वो निर्णय लेने की वो चॉइस की वो क्षमता डेवलप की जाए। साथ ही साथ कुछ मूल्य, जिनमें से एक तो जो मैंने कहा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दूसरा सामूहिक एकता, कि उसकी इतनी स्वतंत्र, वो इंडिपेंडेंट तो है अपनी चॉइसेस या फिर डिसीजंस लेने के, लेकिन उसके साथ साथ वो अवेयर रहे कि उस जो जिस सोसाइटी का पार्ट है उसमें भी वो अपना योगदान देता रहे, उस समूह का वो भागीदार है तो अपनी भागीदारी देता रहे। ये दो इस तरीके से मेरा डिसएग्रीमेंट था। थैंक यू। मैं एक बेसिक बात करूंगा जो जो ये डिस्कशन हो रहा है गजेंद्र जी, मुझे वो ये है कि हमें सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि लोकतंत्र एक सिस्टम है या एक शासन की पद्धति है। एग्जैक्टली। और सिस्टम नहीं है लोकतंत्र, लोकतंत्र मेथड ऑफ गवर्नेंस है। Exactly. आप ये कैसे, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो पूंजीवादी भी लोकतंत्र होता है और समाजवादी भी लोकतंत्र होता है, तो आपको ये जो है ना ये फर्क करना पड़ेगा कि आप कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अगर आप पूंजीवादी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो उस पूंजीवादी लोकतंत्र के अंदर आप जो है ये उम्मीद नहीं कर सकते आपको फिर लोकतंत्र का वो जो दूसरा स्वरूप है उस दूसरे स्वरूप की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तब ही आप जो है अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये जो है ना इस मामले में कतई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि लोकतंत्र जो है वो कोई एक एक, एक जो है ना वो व्यवस्था है। व्यवस्था नहीं है लोकतंत्र तो शासन करने की प्रणाली है, लोकतंत्रात्मक तरीके से जो है ना लोग चुन करके आते हैं और शासन करते हैं। सवाल तो कुल मिलाकर के ये है कि जो सिस्टम हमने अपना रखा है उस सिस्टम के अंदर जो दोष है वो दोष दूर करने के लिए आप लोकतंत्र का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, ये है मूल बात। बाकी इसमें एक कमेंट है, लोकतंत्र जिसकी बार बार हम बात कर रहे हैं ये कोई बहुत ही स्थायी किस्म का फिनोमेना नहीं है, ये डिपेंड करता है सोसाइटी पे कैसे उस लोकतंत्र को सही संदर्भों में और जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें उसको और विकसित हम कर सकते हैं, उसको और डिफाइन कैसे कर सकते हैं। कोई ये कहे कि 50 साल पहले लोकतंत्र को जिस तरह से हम समझते थे आज भी हम उसी सेंस में समझ रहे हैं, तो ये भूल है। जब भी लोकतांत्रिक विद्यालय या लोकतांत्रिक संस्थान की का जिक्र होता है ये सवाल पहले आता है कि आखिर जिस लोकतंत्र का मैं भान ले रहा हूँ या आशय लगा रहा हूँ वो कौन सा लोकतंत्र है, मेरा लोकतंत्र कौन सा है, और वो पुस्तक किस लोकतंत्र की ओर इशारा कर रही है। वो समाजवादी लोकतंत्र की ओर इशारा कर रही है, तो मेरा देश, मैं जहाँ पल बढ़ रहा हूँ, ये मेरा देश कौन सा लोकतंत्र है, कौन सी पद्धति में वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपना रहा है। तो बहुत इंट्रापर्सनल क्वेश्चंस, कुछ सवाल आने शुरू हो जाते हैं कि जब किसी लोक की बात करते हैं तो लोक में हम सभी शामिल हैं और लोक जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है ऐसा मुझे लगता है। तो जो बुलबुले आ रहे थे उसमें दो तीन बुलबुलों का अगर मैं हाथ थामूं तो मैं पहले विनोबा भावे का हाथ पकड़ना पसंद करूंगा। अभी बातचीत में उनका एक जिक्र है कि लोकतंत्र में लोक जो है वो अपने स्वामी को चयन करते हैं और वो जो अपने स्वामी का चयन करता है उसके पीछे कुछ आधार होते हैं कि इसका लोक बचा रहे और लोक की मानवीयता जो है विस्तारित होती रहे, ये उसके कोर में है विनोबा के। फिर मैं इसकी भी पड़ताल करता हूं कि आखिर इस पद्धति की दरकार ही क्या पड़ती है हमें, तो फिर मुझे बुद्ध वाला बबल दिखाई देता है कि ना तो मुझे पीछे किसी पर विश्वास करने की दरकार है,
ना मुझे जो उसमें जो सवाल आया था कि वो दृष्टि आखिर है किसकी, तो वो जो दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो वो किसकी है, इसे भी पड़ताल करने का वो स्कोप देता है। यानी कि लोक में जो इंडिविजुअल है वो कितना सजीव है, तो बुद्ध उसकी ओर बार बार इशारा करते हुए दिखाई देते हैं। ये दो बुलबुले को जैसे ही पकड़ते हैं तो मुझे भी भारत दिखाई देने लगता है, इस मायने में कि आखिर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो लोकतांत्रिक सिस्टम है हमारा, इस लोकतांत्रिक सिस्टम में जो हमारा समाजवादी फेनोमेना है, वो आखिर इतना धूमिल, इतना कष्टकर क्यों है। तो मुझे दिखाई देता है कि अभी हम 70-75 वर्ष होने को है, तो मेरा जो पैर है, दोनों जो मेरे पैर हैं, वो पूर्ण रूप से मेरी जो पारंपरिक रूढ़ियां हैं उसमें धसे हुए हैं, और जो मेरा शरीर का अग्रभाग है, जो हाथ है, वो कुछ ले लेना चाहते हैं लोकतंत्र में ना, वो कुछ ले लेना चाहते हैं, कुछ बटोर लेना चाहते हैं, क्योंकि बटोरने की हम सबकी एक प्राचीन प्रवृत्ति है ही है। तो अब यहीं से संघर्ष, मुझे लगता है कि डाइकोटोमी, एक संघर्ष जो है वो शुरू हो जाता है कि ना हम लोकतांत्रिक ही हो पाते हैं और ना हम सामंती ही हो पाते हैं। अब ये पूरा श्रेय हम दे देते हैं कि भैया हमने एक प्रतिनिधि का चयन कर लिया है, वो हमारे लोकतंत्र को बचाएगा। फिर दूसरा जिम्मा दे देते हैं विद्यालय को कि वो मेरे बच्चे को लोकतांत्रिक बना देंगे और मैं मुक्त हो जाता हूँ, आधा कहीं धसा हुआ और आधा कहीं उमड़ा हुआ। तो ये एक बहुत, मैं जरा सा सटारिकल टोन में बात कर रहा हूँ, पर ये मेरा रियलाइजेशन है, क्योंकि ये मैं इंट्रा पर्सनल खुद के साथ देखने का प्रयास करता हूँ इस सवाल को। इस एजुकेशन लोकतांत्रिक होगी कि नहीं होगी, उसके पहले लोकतंत्र को जरा समझने की दरकार पड़ेगी, और शिक्षा का उसके साथ क्या ताल्लुकात हैं, फिर सिलेबस और उसकी बात तो आएगी। पर इस बुक के संदर्भ में बस एक ही बात जोड़ूंगा इन बबल्स में कि जब हम भारत को देखते हैं तो वो जो पिक्चर मैंने बनाई ना, तो वो इस तरह से दिखाई देती है कि अगेन हम जैसे देश की जो समस्या है वो सामाजिक समस्या है, वो सोशल प्रॉब्लम में अभी भी कायम है और उसकी जो बद्धता है उसको वो निभा रहा है। मतलब जो उसका रूढ़ी जो नॉलेज है, जो सामंती ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा है, वो इतना आसान नहीं है उससे निपटना। पर हम इसका हल कैसे निकालते हैं, इसका हल हम राजनीतिक पद्धति से निकालने का प्रयास करते हैं, हम एक लोकतांत्रिक सिस्टम बनाने का प्रयास करते हैं। यही उल्टा हो जाता है कि जाना कहीं और है, बैठे किसी और ट्रेन में। तो जो सोशल प्रॉब्लम है उसका सलूशन हम पॉलिटिकली फेनोमेना में देखते हैं, तो अब ये पलड़ा अभी वर्तमान 21वीं सदी में और आज के इस माहौल में ऐसे बदल गया है कि पॉलिटिकल फेनोमेना में जो लोग लोकतांत्रिकता को प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने उस सामाजिक समस्या को इसके केंद्र में रख दिया है कि अब वो लोकतांत्रिक मुद्दे, लोकतांत्रिक वेश में सामंती लड़ाइयां चल रही हैं। तो उससे निपटने के लिए, इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए हमें लर्निंग कम्युनिटी की मतलब इतनी जरूरत है जैसे रेगिस्तान में एक प्यासे को पानी की जरूरत हो सकती है। तो लर्निंग कम्युनिटी के लिए मुझे लगता है इस तरह के विमर्श का होना बहुत जरूरी है। हम स्कूल की बात कर रहे हैं, जैसे राजेंद्र जी ने भी शेयर करा कि हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं, क्या संभव प्रयास हो सकते हैं। वो इंसान के जो खुद के स्वभाव है उसी से ही व्यक्त हो जाते हैं, जब वो क्लास में जाते हैं या और बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ उनके साथ जो भी काम हो रहा है उसमें हम लोकतांत्रिक तरीके से कैसे काम कर सकते हैं, पहला तो ये है। दूसरा, जैसे कि पाठ्यक्रम की जहाँ हम बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास सिलेबस में मूल्य भी हैं
और सिलेबस में सिलेबस जो है मूल्यों को देखते हुए बनाया जाता है, पर उस मूल्य वो जो मूल्य है हमने पढ़े और पढ़ने के बाद भी हम उसको अपने जीवन में मतलब उसे अपने जीवन में नहीं ले रहे हैं, तो ये दो बातें अलग हो जाती हैं। और सिलेबस जैसे कि अगर हम सिलेबस की बात करें तो एक सिलेबस एक माध्यम है हमारे लिए कि हम उसको जैसे सिर्फ एक हिंट देने के लिए है ये कह सकती हूँ, पर उस पे काम करने का जो तरीका है ना वो हमारे ऊपर है कि हम उसे किस तरीके से कक्षा के अंदर कर सकते हैं। और जैसे कि लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, किसी अध्यापक ने कोई अच्छा काम किया, जैसे कि प्रशिक्षण हुए थे तो प्रशिक्षण में भी कई अध्यापकों ने कुछ शेयर करे अपने जो कक्षा के अंदर कुछ पद्धतियां इस्तेमाल करते हैं बच्चों के साथ में, उसमें उनका जो व्यवहार है वो भी मतलब दिख रहा था, साथ में वो जो शेयरिंग थी वो अन्य अध्यापकों तक पहुंच रही थी। अब ऐसे ही अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में कक्षा के अंदर अगर कोई टीचर लोकतांत्रिक पद्धति से काम कर रहे हैं तो वो अगर दूसरों तक शेयर हो रही है तो वो शेयर होते होते जब बोलते हैं ना कि कोई चीज अच्छी हो रही है तो दूसरे भी देखकर उसको कहीं ना कहीं उनको हिंट मिलती है कि ऐसे भी काम हो सकता है, तो वो ऐसे भी हो सकता है, एक तरीके से एक आशा की किरण लेकर आती है। तो शायद ये कुछ छोटी छोटी बातें मुझे मेरे मन में आई तो मुझे लगा आप सबसे शेयर करना चाहिए। धन्यवाद। एजुकेशन में चेंज की बात कर रहे होते हैं तो टीचर्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं स्टूडेंट कम्युनिटी, और फिर वो वाली बात आती है कि क्या हम पिछले 70 साल में उठा करके देखते हैं कि कुछ बदलाव जो कि मतलब एक तो जो पहला सवाल आया था कि कैसे बदलते हैं चीज़ को, आपने इसको रखा कि ऑर्गेनिकली चीज़ें ग्राउंड से उठ करके बदलती है, इसका एक अलाइनमेंट ज़्यादा दिखा, बट मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि दोनों चीज़ें उतना ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आज एजुकेशन एक स्टेट टूल है, स्टेट गवर्नमेंट टाइप टूल है और ठीक है, और जब ये इसको ये कोई अजम्पशन नहीं है, गवर्नमेंट जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को हम देखते हैं इसके लिए किसी ने कोई एक्टिविज्म नहीं किया था ग्राउंड से, गवर्नमेंट को फील हुआ उसकी ज़रूरत फील हुई कि हम अपने समाज मतलब सर्वाइवल और सिक्योरिटी के सेंस में अगर स्टेट अब उस तरीके से इमेजिन करें तो उसको लगा कि नहीं ये फाइट बैक कर सकता है, ये अगर इतने ज़्यादा लोग इलिटरेट रहेंगे तो ये चल नहीं पाएगा समाज इस तरीके से, सर्वाइव नहीं करेगा। तो अब जैसे कि बात को ये है कि क्यों नहीं हम पॉलिटिकल इंटरवेंशन क्यों नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मतलब कंक्लूड है, मैं ऐसे देखना चाहता हूँ कि ठीक है ग्राउंड पे मोबिलाइजेशन ज़रूरी है जो भी फैक्टर्स है स्टूडेंट कम्युनिटी टीचर्स, एट द सेम टाइम हम उस जगह को भी टच करें जो देखने में बहुत दूर से गंदा लगता है पॉलिटिक्स के, मैं बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि अरे वो ना लाइक इतना प्योर फॉर्म में नहीं, वहाँ पे जाएंगे तो कुछ चीज़ें हमें ऐसी करने की ज़रूरत पड़ सकती है जो कि वो मुझे पसंद नहीं आएगा या फिर उसको मोरली बैड कहेंगे एथिकली बैड कहेंगे, बट उससे दूर क्यों रहें, क्योंकि बदलाव वहाँ से भी आया है हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ों का, जो अगर हम दूसरे कंट्रीज़ की भी बात करें या फिर इंडिया की भी बात करें ठीक है तो वो स्टेट से ही आया है। अब मैं ऐसे देखना चाहता हूँ कि ज़मीन से कोई रे उठ रहा हो बदलाव का और ऊपर से भी कुछ आ रहा हो और वो कहीं पे मिल रही है, इंटरसेक्शन हो रहा है उस बदलाव का, ज़मीनी स्तर पे चीज़ें बदलना इंडिविजुअली मतलब उसमें एक साइड है और फिर एक ये भी डिबेट है कि वो पॉलिटिकली कितना हम उसको चेंज कर सकते हैं, तो आई थिंक दोनों तरह से ज़रूरी है, कोई दोनों फैक्टर्स को हम इन माई ओपिनियन से हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो पॉलिटिकली मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट में, क्योंकि अगर हम देखें कभी हमें इस बात पर कभी बात नहीं की एजुकेशन मिनिस्टर क्या सोच रहा है क्या कर रहा है, ये क्यों नहीं हमारे लिए मुद्दा बन सकता है, क्यों नहीं हम बार बार इसको बात कर सकते हैं, क्यों हमेशा बात यही होता है कि अध्यापक ये है अध्यापक वो है, वो ज़रूरी है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर एक आदमी एक डिसीजन लेता है या एक गवर्नमेंट डिसीजन लेता है उसका इम्पैक्ट पूरे इंडिया पर है, क्यों नहीं वो पॉइंट ऑफ इंटरजेक्शन हो सकता है, तो आई थिंक इससे बात आगे बढ़ सकती है। बात मैं कह रहा था ठीक है कि वो जो आधा धसा है और वो आधा जो लोकतांत्रिक है वहाँ पर यही समस्या है कि जो टीचर है वो अपने सांस्कृतिक प्रैक्टिस जो उसका है वो उसको स्कूल में पूरी तरह से प्रैक्टिस करता है
और वो पूरा एक प्रत्यक्ष और पॉलिटिकल फर्टिलाइजेशन का स्पेस होता है स्कूल, जहां पर राजनीतिक चेतना का कंस्ट्रक्शन होता है। वहां पर तथाकथित किसी राजनीतिक पार्टी के विचार का ख्याल नहीं होता है, बुद्ध की तरह वो पॉलिटिकल आइडिया को जनरेट करने का स्पेस है। हाउ यू आर अवेयर इन योर सराउंडिंग और आपके साथ क्या क्या संबंध, क्या रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। पर देखेंगे टीचर जिस एंटिटी में है वो अगेन वही प्रैक्टिस कर रहा है बार 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 बार, और हम बतौर अभिभावक इस चीज से निश्चिंत हैं कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जोड़ रहा। मेरा विचार, आप सबसे, आप सब विद्वान हैं, मैं सबसे छोटा शिक्षक यानी प्रबोधक हूँ, मुझे तो ये सारी चीजें जो अटपटी सी लगी आज, आप काफी विस्तृत व्यापक और डीपली उस पर जा रहे हैं, रियली वैसे जाना चाहिए, सही बात है, लेकिन आज की व्यवस्था ऐसी नहीं है। आज शिक्षक को स्वतंत्र रूप से शिक्षक बनकर पढ़ाने ही नहीं दिया जाता, ऐसी हमारी शिक्षा व्यवस्था है, ऊपर से उसके ऊपर थोपा जाता है, न कि शिक्षक के विचारों को शिक्षक की इच्छा के अनुसार बच्चों के ऊपर प्रयोग करने की छूट दी जाए, ऐसा कतई ही नहीं। पॉलिटिक्स तो यही चाहती है, पॉलिटिक्स यही चाहती है, रियली यही चाहती है, गरीब किसान मजदूर निर्धन व्यक्ति का बच्चा नहीं पढ़ना चाहिए, ये उच्च शिक्षाविदों, उच्च राजनीतिज्ञों, उच्च उद्योगपतियों, पूंजीपतियों की ऐसी सोच है। इन्होंने तय कर दिया है बच्चों को फेल नहीं करना है, अगली कक्षा में प्रमोट करना है, बच्चे को डांटना नहीं है, पीटना नहीं है, पास करना है, बच्चा एग्जाम देने नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, 8 दिन बाद एग्जाम ले लो, घर जाके एग्जाम ले लो, ये सारी व्यवस्था ऊपर से थोपी गई है निश्चित रूप से कि निम्न वर्ग का बच्चा पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ेगा तो राजनीति में आएगा, उद्योगपति पूंजीपति क्षेत्र में उनसे टक्कर लेगा, इसलिए उनको डैमेज करने का साधन है, उनकी मानसिकता को डाउन कर दिया, फ्री का उन्हें राशन दे दिया गया, फ्री का किट दे दिया गया, आजकल बच्चों को इसलिए स्कूल भेजते हैं कि दाल चावल चीनी मिल जाएगी, पूरे महीने भर का उनका रोजगार चलता है, और मैं ऐसे गांव में पढ़ाता हूँ जहाँ के 90% व्यक्ति ड्रिंक करते हैं, उन लोगों को बड़ा गर्व होता है कि आज मुझे चावल मिल गए, दाल मिल गए, सीधी दुकान पर जाकर बेच देते हैं, उदाहरण पर सत्य कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। टीचर को टीचर का काम तो करने ही नहीं दिया जा रहा, टीचर के तो इतने दायित्व, इतने काम ऊपर थोप दिए गए जबरदस्ती, आज जनगणना करना है, आज ये लोगों का काम करना है, या बाजार कार्ड को जोड़ना है, आज ये जोड़ना है, तीन तीन आज अभी लोकतंत्र पे चर्चा हो रही थी, बहुत सारे पहलू आ गए और वो नहीं आते तो शायद लोकतंत्र पे सिर्फ नाम की चर्चा होती, लोकतंत्र पे चर्चा होती नहीं, लोकतंत्र वही तो ये देखना कि शिक्षा अपने आप में बहुत सीमित नहीं है, शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक, और शिक्षा के अपने आप में एक बुनियाद है, उसका एक फिलोसफी है, इसी तरह से लोकतंत्र के भी है। तो जो अपन वार्तालाप कर रहे थे यहाँ पे, लोकतंत्र एक व्यवहार है, राजतंत्र है, फिलोसफी है, वो सभी चीज़ें हैं, और लोकतंत्र एक जीवन का रूप भी है। तो अपना निष्कर्ष यही है कि ऐसे डिस्कशन होने चाहिए, उपयोगी हैं, और भविष्य में जो अपना आदर्श है, आदर्श पर अपन ने बहुत सारी बातें की हैं आज, कुछ चीज़ें क्लास के एग्जांपल्स भी आए हैं कि कैसे उनको आदर्श के साथ में जोड़ना है, या फिर बार बार हमें आदर्श की तरफ देखना है कि हम जो रास्ते पे चल रहे हैं वो सही दिशा में लेके जा रहे हैं, नहीं लेके जा रहे हैं, तो वो हम अपने लेवल पे शुरू कर सकते हैं। पर साथ ही हमें ये देखना भी ज़रूरी है कि समाज का जो ढांचा है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा गुत्था हुआ है एक दूसरे से, तो उसमें सिर्फ एक धारा से चलना हमें बहुत स्लो कर देगा। तो जितनी तरफ से भी जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, भले ही वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से हो, भले ही वो, जैसे अजमल ने एग्जांपल्स दी, या सर जिस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं स्ट्रक्चर लेवल पे, या जिस तरफ, जैसे हम सभी का मत है, लोग, इंसान, इंडिविजुअल, क्योंकि सोसाइटी तो वही बना रहे, तो हम कंक्लूड यहाँ पे कर रहे हैं इस वार्तालाप को कि जरूरी नहीं है कि कोई भी एक धारा है वही एक उसका इलाज है। जो लोग भी जिस धारा के साथ लगे हुए हैं उस आदर्श को ध्यान में रख के वो हमें सही लोकतंत्र की तरफ ही लेके जाएगा।